गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कक्षा 7 हिंदी पाठ 7। हम पक्षी उन्मुक्त गगन के कविता पढ़ाने जा रहे हैं। आप लोग उसको बुक में ध्यान से देखिए और उसकी व्याख्या सुनने की कोशिश करिए। हिंदी काव्य जगत के प्रख्यात कवि श्री शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित यह कविता उस समय का वर्णन करती है जब हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे। जब हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे, उन्होंने उस समय भारतीयों को पिंजरे की पक्षी के समान बताया है। उन्होंने यह भी बताया है कि प्रत्येक जीव स्वतंत्र रहना चाहता है। देखिए, समझ गए कि इस पाठ में लेखक क्या बताना चाहते हैं कि सब लोग सोचता है कि हम अपना जीवन अपने से स्वतंत्र होकर जिए। तो देखिए इस कविता की व्याख्या। हम पक्षी उन्मुक्त गगन के पिंजर बद्ध न गा पाएंगे। पक्षी कह रहे हैं कि हम खुले आकाश में रहने वाले हैं, जीव हैं, और हम पिंजरे में बंद होकर नहीं जी पाएंगे। कनक तितलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे, और हम जब उड़ते हैं आकाश में और तितलियां हमसे टकराती हैं तो उनकी पंखें हमसे टकरा करके टूट जाती हैं। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, और हम जो जल बहता है नदी का जल, हम पीने वाले पक्षी हैं, और जब पिंजरे में बंद हो जाएंगे तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निबैरी कनक कटोरी की मैं दासे। कनक तितलियाँ सोने की सलाएं। कहीं भली है कुटुक नवैरी कनक कटोरी की मैदा से, और हमें भले ही कटोरी में मनुष्य खाने की व्यवस्था कर दे, हर चीज़ें कटोरी में भर कर रख दे, लेकिन हम वो चीज़ खा करके संतुष्ट पिंजरे में नहीं जी पाएंगे। स्वर श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। स्वर श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। हम लोगों को जो आकाश के नीचे घूमने वाले हैं, वो आकाश हम लोगों के लिए सोने की महल है। अपनी गति उड़ान सब भूले, और उसके आकाश के नीचे हम लोग उड़ते हैं और सारी बातें भूले रहते हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तर की फुनगी पर के झूले, और हम सपनों में सब कुछ संसार के बारे में देख लेते हैं और सारी बातों को भूल जाते हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, और हम आकाश के हमारे अरमान भी बहुत ऊंचे ऊंचे थे, नीले नभ की सीमा पाने, और उस नीले आकाश के नीचे हमको रहने में बहुत ही प्रसन्नता मिलती है। लाल किरण सी चोंच खोल, और हम जब अपनी चोंच खोलते हैं, जब लाल कलर की किरण उगती है, उस समय जब हम अपनी चोंच को खोलते हैं, चुंगती तारक अनार के दाने, और हमारी माँ हमको अनार के दाने खिलाती है। थैंक यू बच्चों। अब इसी शब्दों के साथ हम अपना पाठ समाप्त करते हैं। अब अगला पैराग्राफ हम आपको अगले दिन पढ़ाएंगे। थैंक यू।